नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। यूएफटी न्यूज 24 की टीम ने शाहजहांपुर जिले के 136 विधानसभा ददरौल क्षेत्र के कई ग्रामों में शाहजहांपुर सुरक्षित लोकसभा सीट पर जाना जनता का रुझान। आज यूपी 5 टाइम्स की टीम ने शाहजहांपुर सुरक्षित लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में जनता का रुझान जानने के लिए शाहजहांपुर जिले की 136 विधानसभा ददरौल क्षेत्र के कई ग्रामों में कृषकों सहित ग्रामीणों से पार्टियों के प्रति जनता का रुझान जानने का प्रयास किया, जिसमें दिखा कि भाजपा पर गठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है। भले ही पार्टियां बगैर किसी मुद्दे के चुनाव लड़ रही हो, लेकिन जनता के बीच तमाम मुद्दे हैं जिन पर जनता मतदान करना चाहती है। बीडी कनौजिया के साथ मदन पाल सिंह की रिपोर्ट। रायखेड़ा गांव में यहां भाई लोग हमारे बैठे हुए हैं और चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में हमारे भाई लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं। इस बीच यूएफटी टीम भी यहां पहुंच गई है, भाई लोगों से चर्चा करते हैं कि चुनावी माहौल में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक तरफ सपा बसपा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तो क्या चुनावी माहौल है जानते हैं भाई साहब से कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ चुनाव लड़ रही है, एक तरफ सपा बसपा गठबंधन हो गया है जी। तो चुनाव का क्या माहौल है इसमें? हमारे यहाँ तो सपा और बसपा गठबंधन में ही जाएगी। सपा बसपा जी गठबंधन में जी, क्या खासियत दिखाई दे रही है आपको? हमारे यहाँ जो भी काम हुआ है सपा और बसपा के टाइम का हुआ है, बीजेपी में कोई काम नहीं, कोई एक पैसे का एक कंकड़ तक नहीं कहीं पे लगा, कंकड़ तक नहीं लग पाया, इसलिए सपा बसपा गठबंधन को। हाँ, हमारी रोड बनी है वो सपा बसपा के अंतर्गत बनी, गांव में जो भी काम हुआ है वो सपा बसपा के। और हम भाई लोगों से जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या चर्चा हो रही है, बताएंगे सभी चर्चाएं। चर्चाएं चल रही, क्या चर्चाएं चल रही है? गठबंधन का चुनाव है, सपा बसपा गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है और सपा के गठबंधन का प्रचार हो रहा है, तो आपका क्या रुझान है? कितने हैं आप? बीजेपी में हैं आप? भाजपा के सपोर्टर हैं? अच्छा अच्छा, भाजपा में आपका क्या खूबियां दिखाई दी? खूबियां बहुत हैं उसमें, नेकियां भी हैं। आप बताएंगे दादा? राहुल गांधी के सपोर्टर हैं। अच्छा, क्यों राहुल गांधी के सपोर्टर? इसलिए हैं, एक सीट पर सही नहीं रहता, एक आदमी सही नहीं रहता। तो आप सरकार बदलनी चाहिए। तो आप राहुल गांधी के सपोर्टर हैं, क्या खूबी आपको दिखाई दी राहुल? उनके सही है नेता सही है। परेशान किया, आधार कार्ड बनवाया, लाइन लाइन में लगा दिया, लाइन लगी, पर्ची नहीं कट रही। हाँ, अगले की सरकार थी तो बहुत पर्ची मिली थी, अभी सब पर्ची नहीं कट रही, वायरिंग ट्राली भरी है, काम चालू है, पर्चियाँ नहीं मिल रही, एक्सीडेंट भी हो जाता है, मार भी होती है, और क्या, या मर जाते हैं, मर गए दो चार से चक्कर लौट गया, झगड़ा हो जाता है लाइन में लगे। ओ, बहुत। आप बताएंगे भैया, लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या चर्चाएँ चल रही है? सपा तो चुनाव नहीं लड़ रही है, आप गठबंधन ही सपोर्टर है, क्या गठबंधन में आपको उम्मीद दिखाई दे रही है? गठबंधन में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कई भी आते हैं, गन्ने में जैसे कल डालना चाहो पर्ची अर्ची को मिलती, पर्ची मिलती है उनकी सरकारों में, यहाँ तो ये बीजेपी की सरकार जो है। आज हम बात करते हैं चुनावी माहौल गांव में क्या है, क्या राय है, इस संबंध में चर्चा करते हैं रायखेड़ा के ग्रामवासियों से। दादा, चुनाव जो है लोकसभा का शुरू हो चुका है, शायद वोट मांगने के लिए प्रत्याशी भी आने शुरू हो गए होंगे, क्या माहौल है चुनाव का इस समय? बढ़िया है सर माहौल, जैसे जैसे आपने के विचार बनाए हुए हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है कि गठबंधन भी हो गया है, कई पार्टियां एक में मिल गई हैं? हाँ, तो सपा बसपा का गठबंधन है और भी कई पार्टियां उसमें मिली हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी की
सरकार भी है, वो भी लड़ रही, कांग्रेस भी लड़ रही। आप हम तो ये कहते हैं मोदी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं और बहुत अच्छा लोगों को जागृत किया है और आगे भी उनको एक 5 साल और मौका देना चाहिए। ये बार जो है पहले 5 साल हो चुके हैं और 5 साल उसके लिए जरूरी उसको मौका मिलना चाहिए। जो हम जैसे आप बताएंगे क्यों आप प्रसन्न हैं मोदी से, क्या आप बढ़िया काम किए हैं, एक दो काम बताएंगे? भाई बहुत काम उसने किया, काश्तकारों को खुशहाल किया है और लैटरिंग गाँव में देखो जगह जगह पे आगे नहीं बढ़ाए लेकिन हर जगह लैटरिंग बहुत शौचालय बनवाए हैं और गरीबों को सिलेंडर बांटे हैं, बहुत कुछ किया है, मतलब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। UFT News 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।